अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आपकी दुआ से हम लोग भी ठीक ठाक हैं। इन माशाल्लाह से आज 21वां रोज़ा हो चुका है, तीसरा अशरे हमारा शुरू हो चुका है। मेरा बेबी भी आ गया भाई। आज मेरे बेबी की तबीयत भी सही नहीं है। अभी कल सैफ की तबीयत थोड़ी संभली है, तो आज इसको भी सुबह से बुखार सा हो रहा है, तो फिर मैंने सैफ वाली दवाई इसको भी पिलाई है, तो अभी थोड़ा सा खेल में लगा। पता नहीं क्या परेशानी ईद आने वाली होती है, बच्चे बीमार होते हैं, पहले हानिया फिर सैफ, अभी मेरा उमर। बेबी खाना बनाया मामा? तो आज ना मुझे बाज़ार भी जाना था, क्योंकि ना अभी इनकी चप्पलें रह गई हैं बच्चों की, तो उनकी चप्पलें छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, तो मैं जाऊँगी तो फिर ये फिर धूप में इसको बुखार ना तेज़ हो जाए। अगर घर छोड़ के जाती हूँ तो 2 से 2.5 घंटे बाज़ार में लगेंगे, तो फिर ये पीछे से रोएगा। तो सैफ को तो मैं बहला जाती हूँ मोबाइल दे के, तो सैफ तो बहल जाता है मोबाइल दे के, जब तक मैं रहती हूँ मोबाइल में कार्टून देखता रहता है। तो मेन मसला इसका, क्योंकि इसको ये भी फिट कराती हूँ ना मैं इसको, तो इस वजह से ना ये भी रहता नहीं है, ये फीटर भी नहीं पीता है ना। चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तो मैं ना फिलहाल बनाने लगी हूँ बच्चों को लिए खाना, क्योंकि ना खाना मैं इस टाइम बना देती हूँ, फिर शाम की ना मुझे परेशानी नहीं होती है। इस टाइम भी खा लेते हैं बच्चे, शाम में भी खा लेते हैं। आज बच्चे बोले मम्मा हमें बिरयानी बना दो, तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बना देती हूँ। तो ये इस टाइम बच्चे वगैरह खा लेंगे, शाम को रोजे के टाइम इसके पापा खा लेंगे। क्या हुआ, काम मैचिंग नहीं हो रहा? चलो यहाँ पे ना मैंने अभी सारा सामान वॉश करके रखा है, ये देखिए ना। अभी आलू वालू छीलूंगी, टमाटर भी कट करूँगी, तो ये मसाला तैयार करूँगी। अभी ना मैंने फिलहाल इसके अंदर ना घी और ये डाला है, बेबी लेके बैठ गई चीज़ें, और ना मैंने चिकन को पानी में भिगोया, क्योंकि इनके पापा ना मुझे 1 महीने के लिए ला देते हैं गोश्त वगैरह सब ना, तो मैं उनको धो के पैकेट बना के रख देती हूँ, जितना मुझे बनाना होता है ना पकाना होता है, तो उसके हिसाब से पैकेट पानी में भिगो देती हूँ, क्योंकि धुला हुआ होता है साफ़ होता है, बस पानी में डाला वो जब खुल जाता है तो फिर मैं खाना बना लेती हूँ। अभी मैंने मंगवाया हानिया से चावल वावल, तो चलो मैं जब से सामान तैयार कर दूँ फिर खाना बना के बच्चों का, तो फिर मैं 12 से 1 बजे के टाइम में फिर बजाऊँगी बाज़ार। और गर्मी भी बहुत हो जाएगी, लेकिन आप देखें माशाल्लाह 21 रोज़े हो गए, 9 रोज़े रह गए, तो मुझे कपड़े ला के बच्चों की सिलाई भी करनी है। अभी सिर्फ मैंने इनके 2-2 सूट सिलाई किए हैं बच्चों के, तो एक एक ही सिलाई की है, क्योंकि एक एक उनका रेडीमेड आया है ना, तो ईद के तीसरे दिन के भी इनके आए हैं, तो वो भी मुझे सिलाई करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे कपड़े लेके आई हूँ। तो बेबी आप उठो यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैंने अभी घर का सारा काम किया है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, तो बस मैं किचन में आई हूँ। मेरा यही होता है, सुबह उठ के घर का काम करके नाश्ता बना के बच्चों को, घर का काम करो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर उसके बाद बाजार जाओ, फिर आके अफ्तारी की तैयारी लग जाओ, मेरा पूरा दिन ऐसे गुजरता है। ठीक है, आज माशाल्लाह मेरा सैफ की तबीयत काफ़ी बेहतर है, आज उसको बुखार भी नहीं है, क्योंकि हम इसको दम बम भी करवा रहे हैं, उससे भी इसको काफ़ी फ़र्क हो गया, क्योंकि वो डर रहा था ना, तो अभी 2 दिन हो गया अल्लाह का शुक्र आराम से सो रहा है, ये डर भी नहीं रहा, रात को भी सुकून से सोया, ये डरा नहीं है। चलिए ठीक है, हमारी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो पहले खाना बना लें तो फिर आपसे मिलेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट्स नहीं करते हैं, क्या बात है, आप हमारे से कोई नाराज़गी है, आप क्यों हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं और हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ कम से कम हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करें जो हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए खाना बना लेते हैं, तो फिर आपसे बात करेंगे। हाँ ये वाल टूट गया है, ये नया लगाया इनके पापा ने, ये हमारे ड्रमों का वाल है, तो इसका पानी बंद नहीं होता था, मोटर चलती थी ना ऊपर की, तो भी पानी बहता ही रहता था बस ऊपर से, तो इनके पापा ने कल ला के दूसरा वाल लगाया है, चेंज किया है। तो चलिए खाना बनाते हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए, इसमें जीरा वगैरह डाल दिया है, पुदीना डाला है, मिर्ची डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा ऊपर ने चिकन मैंने निकाल दिया। अब प्याज यहाँ पर फ्राउन, और यहाँ पर मैंने सारा मसाला एक जगह तैयार कर लिया, टमाटर वगैरह सब, मिर्ची वगैरह, नींबू, और ये मैं मसाला पीसने डाली, जिसमें मैंने सौंफ और धनिया भी डाला है। ठीक है, इसको मैं पीसती हूँ, छोड़ दो ना, चलो मैं इसको पीस लेती हूँ, फिर ये देख लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि आलू है ना, इसमें आलू गलने में टाइम लेंगे, चिकन की फ्राई करके मैंने पानी डाल दिया था। सलाद भी बन गई है, बस रायता तैयार करना अभी, और चावल भी मैंने बॉयल कर लिए। देखिए ठीक है, ये दही है ना कटोरे वाली, फ्रिज में रख दो, मलाका बोलो फ्रिज में रख देगी, आँच कम कर देते हैं, हल्की आँच पर ही पकता रहेगा, क्योंकि आलू है ना, आलू गलने में टाइम लेंगे, बस इतने से आँच पर ये पकता रहेगा। चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये देखिए कितना खुश हो गया पानी, ये हल्की आँच पर पक रहा है ना, क्योंकि अगर तेज़ करिए तो मसाला खुश्क हो जाएगा। ये देखिए भी आलू कच्चे हैं अभी थोड़े से ना, बस हल्की आँच पर ही होते रहेंगे, तो फिर बाद में हम चावल तय लगाएंगे। ये देखिए कितनी हल्की आँच पर ये पक रहा है। ठीक है, चावल तो हमारे रखे हुए हैं, हाने कंगी वंगी करो जाके अपनी, यहीं बैठा रहता है किचन में बेबो। चलो ये देखो मैंने दम लगा दिया, रायता सादे कलर पर डाल, ठीक है अब ये हो जाता है, तो मैं वो बना के, हाँ जीरा भून के उसमें डाल के, और रायता तैयार करके बच्चों को खाना देकर, तो फिर जाती हूँ बाजार के लिए। ठीक है, तो फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।
देखा हमारे घर मेहमान आया भाई, हमारा छोटा सा शहजादा आ गया है। और इनकी अम्मा खा रही है खाना। कैसा लगा खाना निगत? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? बहुत। रोजा नहीं रखा ना, ये मुन्ना हमारा बहुत छोटा है, अभी 2 महीने का तो हुआ है ये। मैं इनके लिए स्पेशल आज खाना बनाया है। बीबी अभी हम बाजार भी गए थे ना। उसे तवीज आ रहा है। उसे दीदी लेके आए हो? कहाँ लेके आए हो? बेबी को बुखार हो रहा है आजकल, प्लीज 2-3 से आप पता उम्र को हो रहा है। बम बम सैद ओए सैद रजा वो देखो वीडियो पर देखते हैं। ये हमारे घर आज मेहमान आया है। ये हमारे घर आया शहजादा के राजा से पंजाब से, अब आया ये हमारे घर छोटा सा चूहा। हाँ देख रहा है मेरी वीडियो बन रही है तो देखो सैद वो देखो आपको। चलिए हम बना लेते हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं इफ्तारी की क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही मिर्चियाँ गए हैं और ये आलू के और ये बैंगन है, ठीक है। यह मैंने रखा है पकौड़ों उसके लिए, समोसों के लिए पट्टी मंगवाई है मैंने, एक रोल पकौड़ी पट्टी मंगवाई है मैंने। और ये चनों की चाट बनाई है, रायता बनाया, आलू कट करके रखे हैं और दूध बॉयल करा मैंने, इसमें डालूंगी दूध के लिए। और तेल हो गया हमारा गर्म, सबसे पहले केले वेले काट लेते हैं। अफ्तारी हो गई तैयार। अच्छा खानिया समोसे भी बनाए हैं, रोल हैं, बैंगन के हैं, मिर्चों के हैं, प्याज के हैं, ठीक है। ये सारा सामान हो गया हमारा, अब दस्तखान लगाएंगे। हाँ बन गया सब कुछ, तैयारी तो कर दी ना मैंने सारी भाग भाग के, पीछे हटा थोड़ा सा। तो 25 मिनट लड्डू करो तुम, लो जरा ये खड़ा होकर दिखा रहे। बेबी किसका मुन्ना है ये? किसका मुन्ना है ये? दिक्कत कर दिक्कत, खाला का मुन्ना है ये, देखो देख भी रहा सामने, ऊपर देख रहा पंखा चल रहा है ना। इसमें दाढ़ी, कल दाढ़ी होती ना तुम्हारी, बहुत चुपती इसको सही तुम शेप बना के आई बात। मामा क्या बना रही हैं? तो बना लेता है। पहले बेबी देखो मुन्ना शरबत ना गिरा दे। क्या दूं? बस सो गया हानी है भी। सैफ उम्र की भी दोनों की दवाई लेके आए हम लोग, ठीक है। तो आपस हो गए हैं तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।